हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल डीडी डायरीज। सो एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक आउटडोर्स। सो टुडे आई हैव कम टू ए आउटलेट इन कुमारपाड़ा पांचाली विच सर्व्स नॉर्थ इंडियन एंड तंदूरी आइटम्स। सो लेट्स टॉक टू द ओनर फर्स्ट। अभी आपका नाम? प्रतीक। तो ये आउटलेट आपने कब स्टार्ट किया? ये हमने फेब में स्टार्ट किया। फेब में? इसी साल अराउंड 3 months ही अराउंड जी। तो आप लोग क्या सर्व करते हैं? हम बेसिकली नॉर्थ इंडियन आइटम सर्व करते हैं, तंदूरी आइटम, स्टार्टर्स, नान, त्वचा, ये सब है। और आपका स्टार्टर में क्या स्पेशलिटी है? स्टार्टर में हमारा एक बहुत ही यूनिक आइटम है जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया, उसका नाम है सीची टिक्का। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि दो पनीर के स्लाइस के बीच में चीज़ का स्टफिंग जाता है, फिर वो मैरिनेट होकर फिर तंदूर में जाता है। वो अभी काफ़ी चल रहा है, काफ़ी चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, और मेन कोर्स में क्या है? मेन कोर्स में हमारा चुड़चुड़ नान का प्लेटर बहुत सही है और हमारा कोफ्ता का काफ़ी खरीदारी है। और आपका प्राइस पॉइंट्स कैसे है? प्राइस पॉइंट बहुत रीजनेबल है, मतलब आराम से कोई भी अफोर्ड कर सकते। तो लाइक एक प्लेटर में 2 पीपल कैन है? टू पीपल कैन है। So it took like 200 to 250 for 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 200 to 250 सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैव चूरचूर नान इन बेस्ट ऑफ द प्लेसेस। मैंने अमृतसर में केसर में भी चूरचूर नान खाया है, ब्रावादा ढाबा में खाया है, देन दिल्ली में आई हैव हैड चूरचूर नान इन लॉट ऑफ प्लेसेस। सो लेट्स सी हाउ इट फेयर्स विज़ाविज़ द वंस इन दिल्ली और फॉर दैट मैटर अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। चूरचूर नान इज़ ए रिलेटिवली न्यू थिंग इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे वी आर नॉट दैट यूज टू हैविंग चूरचूर नान, बट जो भैया बना रहे हैं, भैया आपका नाम? सो कमल जी बना रहे हैं, ही सीम्स टू बी वेरी स्किल्ड इन दिस। सो आप देख रहे हैं, इन्होंने ये पोटैटो का स्टफिंग डाला है भैया? नहीं, आलू का है। हाँ, आलू का स्टफिंग डाला है। आलू के साथ और क्या रहता है? आलू, प्याज और आटा चीज़ जो है। ओके, और ये डो मैदा का है या आटा का है? ये मैदा का है। मैदा 100% मैदा है? 100% मैदा है। ओके, और ये बॉइल्ड आलू में प्याज वगैरह मसाला वगैरह डाल के मिक्स करके आपने बनाया है? ओके, सो ये आप अमूल बटर यूज कर रहे हैं? हाँ जी। ओके, तो ये देख सकते हैं कि तंदूर रेडी है और ये हाथ से ही इसे फ्लैट कर रहे हैं। सो द थिंग इज रेडी टू गेट इनटू द तंदूर। सो हाइजीन इज वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल किचन काफी क्लीन है। सो द सेकेंड वन इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। सो इसमें प्लेटर में भैया 2 पीस चूरचूर नान रहते हैं क्या? 2 पीस और क्या आता है उसके साथ? इसके साथ में आपका पनीर, पनीर बटर मसाला सब्जी आ जाएगा, दाल मखनी आ जाएगा। पनीर बटर मसाला सब्जी, दाल मखनी, गुलाब जामुन आ जाएगा। गुलाब जामुन भी देते हैं? ओके, प्याज भी आ जाएगा। ओके, सैलेड में आप प्याज देते हैं और चटनी? ग्रीन चटनी देते हैं। ग्रीन चटनी देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि दोनों चूरचूर नान ओवन में जा चुके हैं, ओवन काफ़ी गर्म है, सो इट इज़ गेटिंग रेडी। सो इन द मीन टाइम आप प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे क्या भैया? ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ प्लेटिंग हो रही है। तो सबसे पहले इन्होंने गुलाब जामुन दिए हैं, काफ़ी छोटे छोटे पीस हैं, 3 पीस गुलाब जामुन इन्होंने सर्व किया है। ये है पनीर बटर मसाला। ये क्या भैया, स्वीट है या मतलब कैसा है? ग्रेवी हल्का स्वीट है क्या? ओके, और ये है नेक्स्ट जो आ रहा है, ये चूरचूर नान प्लेटर की जान, दाल मखनी। तो भैया दाल को कितने घंटे पकाते हो? 6 घंटा। तो दाल मखनी का जो टेस्ट है वो डेट इज़ टोटली डिपेंडेंट कि कितना घंटा हो उसको आप पकाते हैं। बुखारा में तो ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक दाल को पकाया जाता है। भैया भी ऑलमोस्ट 6 आवर्स इसे पका के रेडी कर किए हैं। सो प्लेटर में दाल मखनी आ चुकी है, पनीर बटर मसाला आ चुका है, गुलाब जामुन आ चुका है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द स्टार ऑफ द प्लेटर, दैट इज़ चूरचूर नान। सो लेट्स सी चूरचूर नान रेडी हुई है कि नहीं। सो आप देख सकते हो कि चूरचूर नान रेडी है। भैया ऐसे तोड़ के थोड़ा दिखाओगे क्या? ओ वाओ भाई साहब, ये तो गजब है। सो आप देख सकते हैं कि ये प्लेटर रेडी हो गया है, अब सैलेड और चटनी का वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स द प्लेटर इज रेडी।
काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, मुँह से पानी निकल रहा है, सो अब मैं और रुक नहीं सकता। आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस एंड गिव यू माई फीडबैक। तो आप देख सकते हैं कि 220 रुपीज़ में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्लेटर बना के दिया है। चू चू नान भाई, दिल्ली की याद आती है आपको। दिस इज रियली वेरी गुड। चू चू नान इज 10 out of 10। ये क्रिस्प भी है और एट द टाइम सॉफ्ट भी है। अंदर से ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट है, तो जब आप इसे मुंह में लेते हैं तो ये बहुत जल्दी से गल जा रहा है। पनीर का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिच ग्रेवी है। एंड द दाल, दाल इज ऑल्सो रियली गुड। सो नाउ लेट मी टेस्ट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन इज ओके, गुलाब जामुन इज ओके। 220 रुपीज़ में दिस इज़ रियली वर्थ द डील। आप आ सकते हैं इस जगह पे, काफ़ी हाइजीनिक काउंटर है, वहाँ पे आप खड़े होकर खाने का स्पेस भी है। ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ गुड, सो यू कैन कम टू सी वेज। सो लेट्स गिव 3 चीयर्स टू द टीम। नेहा कैन यू जस्ट शो द टीम। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप फॉलोइंग मी। थैंक यू।